गाइस, मैं ओके टेक्नोलॉजी दुनिया से और आज आपको हमारे टेक्सिस में स्वागत है। दोस्तों चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम हर रोज नए से नए वीडियो लाते हैं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं स्वाइप एलाइट मैक्स के डिजाइन के बारे में। दोस्तों अगर डिजाइन की बात करें तो फ्रंट में आपको 5.5 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले मिलेगा, स्क्रीन के कॉर्नर में आपको नोटिफिकेशन एलईडी मिलती है, स्क्रीन के टॉप में आपको कैमरा और सेंसर्स मिलते हैं। दोस्तों अगर फोन के राइट हैंड साइड की बात करें तो आपको वहां पर वॉल्यूम रॉकर और पावर बटन मिलता है। अगर फोन के लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो वहां पर आपको सिम ट्रे मिलता है। अगर फोन के टॉप की बात करें तो 3.5 एमएम जैक मिलता है। अगर फोन के बॉटम की बात की जाए तो आपको वहां पर यूएसबी पोर्ट और माइक्रोफोन मिलता है। वहां पर आपको स्पीकर ग्रिल्स का डिजाइन मिलता है, लेकिन वो स्पीकर नहीं है। दोस्तों अगर फोन के बैक की बात की जाए तो आपको वहां पर कैमरा मिलता है, फ्लैश मिलता है, फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, एलाइट की ब्रांडिंग मिलती है और नीचे में आपको स्पीकर ग्रिल्स मिलता है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस के बारे में। दोस्तों अगर स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस की बात करो तो स्मार्टफोन में आपको 5.5 इंच का फुल एचडी आईपीएस डिस्प्ले मिलेगा। एंड्रॉइड मार्शमेलो 6.0 पर चलता है डिवाइस, और कंपनी ने यह भी क्लेम किया कि मार्च में इसमें एंड्रॉइड 7 यानी कि नोगट का अपडेट आपको मिलेगा। दोस्तों अगर सिम की बात करो तो ये डुअल सिम डिवाइस है, हाइब्रिड सिम स्लॉट के साथ आता है। इसमें 1.4 गीगाहर्ट्ज का क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 430 प्रोसेसर दिया गया जो कि 4GB रैम के साथ आता है, और 32GB का इनबिल्ट स्टोरेज दिया गया है जिसको आप 64GB तक माइक्रो एसडी कार्ड लगा बढ़ा सकते हो। दोस्तों अगर कैमरा की बात करें तो 13MP का रेयर कैमरा मिलेगा जो कि फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस टेक्नोलॉजी के साथ आता है। फ्रंट में आपको 8MP का फ्रंट कैमरा मिलेगा जो कि फिक्स फोकस के साथ आता है। दोस्तों अगर कनेक्टिविटी ऑप्शंस की बात करें तो इसमें 4G LTE मिलेगा, वाईफाई मिलेगा, ब्लूटूथ मिलेगा, GPS मिलेगा, माइक्रो USB मिलेगा और USB OTG सपोर्ट भी मिलता है इसमें आपको। दोस्तों अगर सेंसर्स की बात करें तो आपको इसमें जायरोस्कोप मिलता है, मैग्नेटिक सेंसर मिलता है और प्रॉक्सिमिटी सेंसर मिलता है और फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। दोस्तों अगर कीमत की बात करें तो स्मार्टफोन की कीमत 11,000 रुपए इंडिया में रखी गई है और आप इसे फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हो। दोस्तों अगर मेरे ओपिनियन की बात की जाए तो 11,000 रुपए में बेस्ट डिवाइस है, आप स्मार्टफोन के साथ जा सकते हो। बहुत ही अच्छा डिवाइस है क्योंकि इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 430 प्रोसेसर दिया गया जो कि बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है, और 4GB का रैम दिया गया है। 11,000 में कोई डिवाइस नहीं है जो कि आपको 4GB रैम के साथ मिलेगा इंडिया में। आपको K6 पावर मिलेगा 10,000 में, लेकिन उसमें आपको 430 मिलेगा और 3GB की रैम मिलेगी सिर्फ। लेकिन यहाँ पर आप 1,000 और खर्चा करके इस स्मार्टफोन के साथ जा सकते हो। बहुत ही अच्छा डिवाइस है, इसमें आपको 5.5 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले भी मिलता है, साथ ही साथ 3000mAh की बैटरी मिलती है जो कि क्विक चार्ज को सपोर्ट करती है, तो चार्ज भी आप फास्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको अच्छी स्पेसिफिकेशंस मिल रही है 11,000 में। अगर आपको स्मार्टफोन लेना है तो आप ले सकते हो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे वीडियो को शेयर करें। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव रह गया है तो आप नीचे हमारे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।